हाल ही में एक बहुत सुंदर सुभाषित मैंने पढ़ा, चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः, निर्जीवम दहते चिता सजीवम दहते चिंता। बहुत सुंदर इसमें बताया गया है चिता चिंता समायुक्ता, ये जो दो शब्द है चिता और चिंता, चिता चिंता समायुक्ता, ये दोनों समान ही दिखते हैं, किंतु बिंदु मात्र विशेषतः, केवल एक बिंदु का अंतर है, चिता के ऊपर बिंदु नहीं है और चिंता जब लिखते हैं हम लोग तो उसके ऊपर बिंदु दिया जाता है। चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः, केवल एक बिंदु का जो है वो अंतर है इन दोनों शब्दों में, किंतु उसका परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है, बताता है यह सुभाषितकार। निर्जीवम दहते चिता, जो व्यक्ति गतप्राण हो गया है, जिसमें अभी जीवन नहीं है यानी मृत हो गया है, उसको चिता जलाती है, लेकिन सजीवम दहते चिंता, जो जिस व्यक्ति में जीवितता के लक्षण है, जो व्यक्ति जीवित है जिसमें प्राण है, उस व्यक्ति को हर पल चिंता जलाती रहती है। तो चिता तो केवल एक ही बार जलाती है मृत शरीर को, किंतु जो चिंता है वह जीवित मनुष्य को पल पल जलाती रहती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और ये चिंता कौन करता है, ये चिंता करता है हमारा मन। हमारा मन जो है वो हमारे भविष्य को और हमारे अतीत को हमें वर्तमान में लाके प्रस्तुत कर देता है। भूतकाल में मैंने क्या गलतियां की थी, भूतकाल में किसी ने मुझसे क्या कहा था, या वर्तमान काल का भय जो होता है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस प्रकार से अलग अलग भयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और कुछ गलतियों को या भूतकाल की परिस्थितियों को हमारे सामने ला के रखता है और वर्तमान हमारा बिगाड़ देता है। तो ये चिंता से हमें मुक्त करना है तो मन को एक विशेष कार्य देना है, और वो है चिंतन। तो चिंता से मुक्त रहना है तो मन को चिंतन के लिए कुछ विषय देना है। तो वो चिंतन के लिए विषय हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप, या जो भी हम लोग कर्तव्य कर रहे हैं। विद्यार्थी है तो उसका कर्तव्य कर्म है अध्ययन करना, कोई गृहिणी है तो उनका भी एक कर्तव्य कर्म होता है, कोई पुरुष है तो उनका भी एक कर्तव्य कर्म होता है। तो हम लोग कर्तव्य परायण हो सकते हैं, और उस कर्तव्य परायणता का चिंतन जब हम देते हैं हमारे मन को करने के लिए, तब हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा और हम लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं।